पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने बंगाल के व्यापारियों के साथ लूटपाट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाशों ने बंगाल के बकरी व्यापारियों से 7 लाख रुपए की लूटपाट के बाद एक व्यापारी पर 3 गोलियां बरसाई। इनमें से 2 गोली एक व्यापारी को जा लगी, पहली गोली पंजरे में जबकि दूसरी गोली पेट में जा लगी। व्यापारी की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। गोलीबारी में जख्मी व्यापारी अन्य व्यापारियों के साथ पिकअप वैन पर सवार होकर बंगाल के मालदा से पूर्णिया के बनमन की हटिया जा रहे थे। पिकअप पर मौजूद अन्य व्यापारियों के मुताबिक हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में पहले व्यापारी की पिकअप वैन रोकी और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने जिस पिकअप वैन पर गोलियां चलाई, इसमें 6 बकरी व्यापारी सवार थे। लूटपाट और फायरिंग के बाद बदमाश बड़ी आसानी से भाग निकले। पूरी वारदात बनमनखी थाना क्षेत्र के सिसवा मोड़ के समीप की है। बेखौफ बदमाशों ने सुबह करीब 6 बजे इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के फौरन बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं घायल व्यापारी की नाजुक हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें GMCH पूर्णिया में एडमिट कराया, जहां व्यापारी की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आगे टानिए ना। अरे उल्टा का ऊपर रखे ना, ऊपर घुमा कैसे। हाँ फिर से कहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मालदा से बनमन के हटिया आ रहा था। क्या करने? बकरी किनने के लिए। अच्छा, हमारा चिंता हो गया। 5-6 लाख बनमन की से। आप लोग कितने व्यापारी थे? 6। 6 लोग थे। सभी से चिंता हुई है? सभी के पास पैसा था? सबके पास पैसा था। तो गोली किनको मारा है? ये तो एक आदमी। क्या नाम है उसका? इसको एक व्यापारी को लगा है। हाँ, एक व्यापारी को लगा है। एक व्यापारी को। वो लोग कितने की संख्या में थे? 6 लोग थे। 6 लोग। सभी के पास हथियार था? हाँ। यह घटना जो है बनमनखी थाना क्षेत्र के सिसवा मोड़ से पूरब की घटना है, जो कि हमारे व्यापारी जो है मालदो से बनमनखी मवेशी हाट बकरी खरीदने के लिए आ रहे थे, उनके साथ घटना हुई। लगभग व्यापारी लोग जो बता रहे हैं कि 6-7 मोटरसाइकिल के संख्या में सबको हथियार था साथ में और गोली चलाए हैं। व्यापारी को 2 गोली लगा है। 6 बजे सुबह की घटना है। ठीक है। और यह दुखद घटना है हम लोग के साथ, चूँकि हम क्या हालत है उनकी? उनकी हालत गंभीर है। सदर हॉस्पिटल से उनको रिफर कर दिया गया है और इनके परिवार लोग भी आ रहे हैं। क्या यही सरकार की एक गति है? मतलब केस किए हैं क्या? थाना केस भी किए हैं? हाँ, बनमनखी थाना में किया। पैसा चाहिए 1,60,000 तो इससे छीना गया है एक आदमी से जिसको गोली लगा है। कितने व्यापारी थे? लगभग इसमें 6 व्यापारी। क्या चीज से थे लोग? पिकअप। पिकअप। सभी से पैसा छीना गया? जी जी, पैसा सभी लोगों से छीना गया। सभी लोग से छीना गया, उसमें जितना व्यापारी थे सब। मोहम्मद तजमुल है, मैं बनमनखी हाट का ठेकेदार हूँ। क्या हादसा हुआ है? इनके साथ रुपया छीन लिया गया मेरा व्यापारी के साथ और गोली मारा। दुख वाली बात ये है सर कि इतना हेलमेट और जूता चेक इन होता है, क्या पुलिस हथियार चेक इन नहीं मोटरसाइकिल वाले और क्रिमिनल को करते हैं? बड़ी दुख की बात है, मैं रो के कह रहा हूँ। मेरा व्यापारी मर गया, उनका बाल बच्चा रोते हुए आ रहा है, पास में 1 रुपया नहीं है। अगर व्यापारी नहीं रहेगा तो हम लोग भिखारी सर हो जाएंगे। कहाँ पे हादसा हुआ है? ये हुआ है बनमनखी थाना क्षेत्र में। क्या घटना हुई है? आप कहाँ पे? क्रिमिनल सर जो आया, व्यापारी लोग बता रहे हैं, आप मेरे सामने व्यापारी पूछिए कि 6 मोटरसाइकिल से आया, रोका और दनादन गोली मारा, रुपया छीन। कितने राउंड फायरिंग हुई? फायरिंग कितने राउंड हुई? फायरिंग कितने हुए? 2 गोली लगा हुआ है पेशेंट को, देखिए कहाँ पे। यहाँ क्या किस जगह लगा? पेट में कहाँ? ये बनमनखी थाना क्षेत्र में होता है। गोली किस जगह पे मारा है? शरीर में। शरीर में कहाँ पे लगा गोली? शरीर में कहाँ पे लगा गोली? पेट में लगा। कहाँ से कहाँ रहे थे ये लोग? आता है सर बकरी व्यापारी है। कहाँ से आ रहा था ये? कलिया चौक से बनमनखी हाट आता है, आपका सीसाबाड़ी आता है। क्या जानकारी है? हम लोग सवेरे में सोए हुए थे तो इन लोग हाट पे फोन किया, उसके बाद हम लोग बनमनखी थाना को टेलीफोन किए
बात करे के खाना खान के उसके बाद बड़ाओ प्लॉट पर पहुँचे गश्ती दल पर तब लोग हॉस्पिटल चल गया था, वहाँ से पूर्णिया रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल, अभी सदर हॉस्पिटल भी रेफर कर दिया है। अभी घटना के बारे में क्या बता रहे हैं, कैसे क्या घटना हुई? घटना के बारे में तो वही लोग बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते, क्राइम हुआ है लोग के साथ। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मालदा जिले से। मालदा कहाँ जा रहे थे? बनमन की घाटिया। बनमन की घाटिया, कैसे घटना हुई उसमें? तो हम लोग जा रहे थे हटिया पैसा को लेकर, लेकिन वहाँ चिंता पड़े पैसा वैसा लूट लिया सब, गोली भी चलाया, तीन गोली चलाया। तीन गोली चलाया, पेशेंट को कितना गोली लगाया? पेशेंट दो गोली लगा। दो गोली लगा, तो लोग क्या चीज़ से था? वो लोग बाइक में आया। कितने लोग थे वो लोग? छः आदमी। कितने बाइक से थे? बाइक दो बाइक था। दो बाइक से थे। ये घटना किस जगह पर घटना? बनमनखी के बगल में। बनमनखी से पहले? जे एम मोटर्स पूर्णिया कटिहार हाईवे बेलोरी पूर्णिया। भारत का सुपर ऑटो अब आपके शहर में। जे एम मोटर्स पूर्णिया कटिहार हाईवे बेलोरी पूर्णिया। अतुल मोटर्स लाया है 52,000 का भारी डिस्काउंट के साथ 2,000 का अतिरिक्त ऑफर भी, वो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पर। यहां आपको मिलेगी अतुल मोटर की सीएनजीसी वाली थ्री व्हीलर ऑटो एवं ई रिक्शा, जैसे अतुल शक्ति BS6 कार्गो लोडर, BS4 अतुल जेमी कार्गो, ई रिक्शा इलाइट प्लस आयरन बॉडी, इलाइट प्लस स्टील बॉडी के साथ, लेबर कॉस्ट बिल्कुल फ्री। सीएनजी थ्री व्हीलर में रिक रिक प्लस जेम इक्वा जैसी सुविधाओं के साथ, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है MS इंडिया अतुल मोटर्स, नियर फ्रेल चौक NS31 बाईपास रोड मरंगा पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 8102921960, सेकेंड नंबर 7207280821960।